everyone, welcome to my channel. This is my first ever video in my YouTube channel. तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला everyday makeup look. ये look college going girl and office going woman के लिए बहुत suitable है. तो let's get started. First मैं ले रही हूँ ये Clinique का moisturizer. First मैं dot dot करके अपने face पे इसको लगा लूँगी एंड देन इसको अच्छी तरह से पूरे फेस पे मसाज कर लूँगी एंड देन अपनी नेक को भी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लूँगी. उसके बाद मैं लूँगी ये मेबेलिन की फिट मी कंसीलर इन द शेड 20 सैंड. देन इसको मैं अपनी आँखों के नीचे एंड थोड़ा सा आईलिड पे अच्छी तरह से लगाने के बाद मैं इसको अपनी फोरहेड पे एंड नोज पे जहाँ जहाँ पे मेरा डार्क एरिया है वहाँ पर लगा लूँगी एंड थोड़ा सा और लेके मैं अपनी आँखों के नीचे लगा रही हूँ एज़ यू कैन सी, ताकि वो एरिया अच्छी तरह से ब्राइट हो जाए. तो देन मैं एक डैम्प स्पंज के थ्रू इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी. तो ब्लेंड आपको बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा. आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर ब्लेंडिंग अच्छी हो जाए तो आपकी मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखेंगे. तो ब्लेंडिंग करने के बाद मैं एक मैक की कॉम्पैक्ट ले रही हूँ. ये पाउडर फाउंडेशन है इन द शेड NC35. तो इसमें जो स्पॉन्ज आती है उसी के थ्रू मैं प्रोडक्ट को लेके अपने पूरे फेस पे डैप डैप करके लगा रही हूँ. देन एक ब्रश के थ्रू मैं इसको अच्छी तरह से फिनिश दे रही हूँ. थोड़ा सा और लेके मैं अपने गले पे भी लगा लूँगी एंड देन मैं एक मेबेलिन का क्रीम ब्लास्ट ले रही हूँ. ये ब्लास्ट स्टिक है, उसको मैं थोड़ा सा गालों पे और अपनी नोज एरिया पे लगा लूँगी. देन ये लॉरियल का ब्रॉन्ज़र है, मुझे ब्रॉन्ज़र बहुत अच्छा लगता है. तो मैं अच्छी तरह से मेरा फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ एंड देन मैं एक हाइलाइटर ले रही हूँ. ये मेबेलिन का है, आई मीन द शेड न्यूड. हाईलाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपको फ्लॉलेस लुक देना है तो हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करें. तो इस हाइलाइटर को मैं अपनी फिंगर टिप्स से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी. उसको ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा और लेके चिन पे भी लगा लूँगी. देन ये मेबेलिन का न्यूड पैलेट है, इसमें जो स्किन कलर आती है उसी को लेके मैं मेरा लिट को अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ ताकि इस कंसीलर क्रीज ना हो जाए. एंड देन मैं उसी लॉरियल का ब्रॉन्जर लेके अपनी लिट में थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ. एज यू कैन सी अपनी क्रीज में अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए मैं लगा दूंगी. थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड करूंगी. ये लैक्मी 9 to 5 की आई शेडो है, बहुत अच्छी वाला आई शेडो है गाइस. इसमें जो ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है उसको लेके मैं मेरा पूरा आईलिड पे ब्लेंड कर रही हूँ. थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड कर रही हूँ. देन मैं लैक्मी 9 to 5 की स्मोकी ग्लैम आई शेडो पैलेट से ये कॉपरी सेड लूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं अपनी लिट पे लगा लूँगी. देन उसी शेड को मैं थोड़ा सा इनर पार्ट पे भी लगा लूँगी ताकि वो हाईलाइट हो जाए. उसके बाद मैं एक काजल लेके अपनी अपर लैश को टाइट लाइन कर लूँगी. उसको थोड़ा सा लेके मैं लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी. अप्लाई करने के बाद मैं उसी न्यूड पैलेट से ब्लैक कलर लेके स्मज कर रही हूँ. स्मजी इफ़ेक्ट आई को बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस करती है. लोअर लैश लाइन पे स्मज करने के बाद वही पैलेट से ब्लैक कलर लेके अपनी अपर लैश लाइन पे भी
समझ कर लूँगी गाइस। गाइस अगर आपको विंग आईलाइनर ड्रॉ करना नहीं आती तो आप ज़रूर ये ट्रिक फॉलो कीजिए, ये आपको एक आईलाइनर वाला लुक देंगे। देन एक स्पूली की मदद से मैं अपनी आईब्रो को ब्रश कर लूँगी एंड उसी पैलेट से एक ग्रे कलर ले लूँगी और इसके थ्रू मैं आईब्रो को फिल कर लूँगी। फिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ स्पूली की मदद से एंड देन मैं मस्कारा लूँगी। ये मेबेलिन का है, ये वाटरप्रूफ है। अगर आप डेली बेसिस में यूज़ करना चाहती हूँ तो इसमें एक वॉशेबल वेरिएंट है, उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस मस्कारा को मैं अच्छी तरह से लोअर लेस पे और अपर लेस में अच्छी तरह से कोटिंग कर लूँगी एंड देन मैं और ब्लास्ट लेके अपनी गालों पे और नोज़ पे लगा रही हूँ। मुझे ब्लास्ट बहुत पसंद है गाइस। देन द लास्ट स्टेप इज़ लिपस्टिक। दिस इज़ द क्रीमी मैट रेंज फ्रॉम मेबेलिन इन द सेड न्यूड नुआंस। दिस इज़ माय फेवरेट न्यूड लिपस्टिक। So I have applied the lipstick and this is the final result. I hope you guys will like it. Agar aapko ye video pasand aaye to please subscribe kar dena aur right side mein jo chhota sa bell icon hai usko zarur press kar dena. Bye guys. Love you all. Main jaldi hi milungi apni agle video ke sath.